सन 1761, तारीख 14 जनवरी, दिन बुधवार, मकर संक्रांति। ये भारत के अतीत की वो तारीख है जिसमें दिल्ली से करीबन 80 किलोमीटर दूर पानीपत में एक नया इतिहास रचा जाने वाला था। वर्तमान करवटें बदलकर नए भविष्य की भूमिका गढ़ने वाला था। तमाम लड़ाइयों का रणक्षेत्र एक बार फिर भारत की सीमाओं को तय करने वाला था। वर्चस्व की लड़ाई हिंदुस्तान की ज़मीन को एक और जख्म देने वाली थी। जिस यमुना के किनारे फसलें उगाई जाती थीं, वहां युद्ध के लिए बंजर जमीन तैयार की जा रही थी। युद्ध जो सीमाओं के साथ साथ भारत के राजनीतिक हालात को भी बदलने वाला था। ये युद्ध था तीसरा पानीपत का युद्ध, जो कि मराठाओं और काबुल के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा जाने वाला था। वो मराठा जिन्होंने हिंदुस्तान की सीमाओं का विस्तार अफगानिस्तान की सीमाओं तक कर दिया था। जब 14 जनवरी 1961 को अफगानों से युद्ध हार रहे थे, तब उनके साथ हिंदुस्तान की ज़मीन को बचाने के लिए कोई भी राजा नहीं खड़ा हुआ था। युद्ध के बाद मराठाओं के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हजारों आम लोगों से पानीपत में लूटपाट की गई और उसके बाद निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं कर दी गईं। तमाम इतिहासकार ये मानते हैं कि इस लड़ाई का मकसद सिर्फ आन बान शान नहीं था, बल्कि ये लड़ाई ये तय करने के लिए लड़ी गई कि भारत का साम्राज्य आखिर कहाँ तक होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नपुत्रा और आप देख रहे हैं दी चौपाल। पानीपत युद्ध, यमुना के किनारे बड़े जंग के मैदान और लाखों की सेनाएं और इतिहास, ये सब आपने अब तक सुना और देखा। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध महज दो देशों के बीच लड़ी गई जंग से इतर कुछ और भी था। ये युद्ध यूं ही ज़मीन पर कब्जे या लूटपाट के इरादे से नहीं लड़ा गया। इस युद्ध के कुछ मायने थे, वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मायने। ये दो सभ्यताओं के बीच की लड़ाई थी जो कि मिली जुली सभ्यताओं को जन्म देने वाली थी। इसमें एक तरफ भारतीय संस्कृति का ध्वज लेकर मराठा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काबुल के राजा अहमद शाह अब्दाली बड़ी सेना के साथ भारत में आए थे। पहली बार इस लड़ाई में ये साबित किया जाना था कि भारत की संप्रभुता तय करने का अधिकार किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बल्कि सिर्फ भारतीयों को होगा। कहने को तो 18वीं शताब्दी में दिल्ली में मुगलों की मौजूदगी थी, लेकिन ये मौजूदगी सीमित थी सिर्फ लाल किले की चार दीवारियों तक। मुगलों की सियासत सिमट चुकी थी। 1760 के दौर में राजस्थान में राजपूताना में तमाम छोटी छोटी रियासतें थीं जिनमें जयनगर और मेवाड़ को छोड़कर किसी का भी खास प्रभाव नहीं था। इसी बीच मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। दक्षिण और मध्य भारत में मराठाओं का प्रभुत्व कायम था और मराठाओं के इरादे बुलंद थे। दक्षिण में भी तमिलनाडु और आंध्र में कुछ निज़ामों का साम्राज्य खत्म हो रहा था। मराठा ये बखूबी समझते थे, इसलिए वहाँ हिंदुत्व की स्थापना के लिए मराठाओं ने निज़ाम को उखाड़ फेंका। मराठा भारत की सीमाओं को बढ़ाने के इरादे लेकर आगे बढ़ रहे थे। 1758 तक वर्चस्व की इस लड़ाई में मराठाओं ने बड़ी जीत दर्ज की और उनका दिल्ली, अवध, पंजाब और यहाँ तक कि सिंधु घाटी क्षेत्र में कब्जा हो गया। मराठाओं के विस्तार की सीमा सिंधु नदी के किनारे अटक तक पहुँच चुकी थी, यानी कि आज के लाहौर और पेशावर तो मराठाओं के राज्य में थे ही, इसके अलावा अफगानिस्तान की सीमाओं पर भारतीय साम्राज्य फैला हुआ था। मराठाओं में गजब का साहस था, मजबूत नेतृत्व था और वो युद्ध कला में बेहद कुशल थे। लेकिन जब उत्तर में स्थानीय शक्तियों को हराते हुए वे जा रहे थे और उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में मराठा सेना फैल गई थी और इन जगहों से मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए चौथ और सरदेशमुखी वसूली जा रही थी, जिससे आसपास की रियासतों के राजा खतरा महसूस करने लगे। और जब इन्हीं राजाओं ने मिलकर मराठाओं के विस्तार को रोकने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत में आने का निमंत्रण दिया, तो ये तय था कि बड़ा युद्ध होने वाला है। क्योंकि ये बखूबी समझते थे कि वे अकेले मराठाओं को हरा नहीं सकते, क्योंकि दुर्रानी साम्राज्य तक मराठा साम्राज्य फैल चुका था और अहमद शाह अब्दाली के इलाकों से आने वाले कर को भी मराठा सेनाएँ वसूल रही थीं। इसलिए पहले से ही ये तय था कि अहमद शाह अब्दाली मौके की तलाश कर रहा है। भारतीय राजाओं का ये निमंत्रण अब्दाली के लिए सुनहरा मौका था। 1759 में उसने छठवीं बार भारत की ज़मीन पर कूच किया। उसकी सेना विशाल थी, जो हाथों में तलवारें, भाले, पूरे शरीर पर लोहे के रक्षा कवच, पहाड़ों से नीचे मैदान में उड़ती धूल लेकर चली आ रही थी। लग रहा था जैसे इस बार वो मराठाओं को हरा कर ही दम लेगा। अब्दाली ने आसानी से पंजाब को जीत लिया, क्योंकि वहाँ मराठा सेना बेहद कम थी, और फिर दिल्ली, और 1760 में अब्दाली ने भारत के अनूप शहर पर कब्जा कर लिया। उधर मराठा सेना भारत के दक्षिण में अब तक निज़ामों को हरा चुकी थी और वहाँ मराठा जश्न मनाने में लगे हुए थे। निज़ामों की पराजय में नायक थे सदाशिवराव भाऊ, बेहद चतुर, फुर्तीले और शांत सेना नायक,
जब अफगानों के हमले की जानकारी सदा होती थी। उदगीर से दिल्ली की दूरी बेहद लंबी थी, करीब 1000 मील की दूरी इस सेना को तय करनी थी और इसी बीच मराठा सेना को चंबल की घाटियों से होकर गुजरना था। लेकिन इलाके की हवाओं से वाकिफ मराठा शासकों ने सदाशिवराव को चंबल के इलाके पार न करने की सलाह दी, लेकिन इरादों के पक्के मराठा सेना नायक सदाशिवराव ने किसी की भी बात नहीं सुनी। वो कहते थे कि वो इतनी दूरी पर आराम करने के लिए नहीं आए हैं, लड़ाई लड़ी जाएगी और ये अफगानों को खदेड़ने के लिए वो जरूर जाएंगे। इसी हौसले के साथ उन्होंने पहले नर्मदा को पार किया और फिर चंबल के किनारे बसे धौलपुर पहुंचे। उस वक्त राजस्थान में छोटी छोटी रियासतें थीं। धौलपुर सूरजमल जाट की रियासत का हिस्सा था। कुछ वक्त इनकी सेना भरतपुर में भी रुकी, जहां इन्होंने अपनी भारी सामान को छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब समय आ चुका था जब कुछ बेहद बड़ा होने वाला था। बारिश के मौसम की शुरुआत होने वाली थी। अहमद शाह अब्दाली उत्तर प्रदेश में उस वक्त मौजूद अनूप शहर में अपनी बड़ी सेना के साथ डेरा डाले हुए था, तो दूसरी तरफ मराठा सेना 2 जून 1760 को ग्वालियर पहुंची थी। दोनों ही सेना इस वक्त एक दूसरे से करीब 310 किलोमीटर की दूरी पर थीं। मराठा युद्ध के लिए अपना साथी तलाश रहे थे, तो दूसरी तरफ रोहिल्ला में बैठा नजीब खान अहमद शाह अब्दाली की सेना के समर्थन में भूमिकाएँ तय कर रहा था। नजीब खान ने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो मराठा सेना को किसी का भी साथ नहीं मिलने देगा, क्योंकि ये बखूबी जानता था कि मराठाओं में बड़ी ताकत है। ऊपर से अगर इनको किसी का साथ मिल जाए तो ये अब्दाली को पलक झपकते ही ख़त्म कर देंगे। अब्दाली ने नजीब को आदेश दिया कि वो उत्तर भारत के सबसे मजबूत शासक सिराजुद्दौला को मराठाओं का समर्थन ना करने के लिए मनाए। नजीब खान सिराजुद्दौला के पास पहुंचा और उसने उन्हें पूरी बात समझाई, लेकिन सिराजुद्दौला ने मराठाओं के खिलाफ खड़े होने से मना कर दिया। नजीब खान ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और सिराजुद्दौला के हाथ में रख दी। वो बोला, मैं इतनी बड़ी रियासत पर राज करता हूँ, मैं आपके लिए अपने धर्म का विरोध भी कर चुका हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं माने तो ये तलवार लीजिए और मेरे सिर को धड़ से अलग कर दीजिए। सिराजुद्दौला पर इन बातों का थोड़ा असर हुआ, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 3000 सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हुआ। अहमद शाह अब्दाली खुश था, उसे लग रहा था कि उसकी एक बड़ी राजनीतिक जीत है। और इधर सूरजमल जाट और मराठा सेना दिल्ली की ओर चल पड़ी थी। मराठा सेना मथुरा को पार कर दिल्ली पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने कालका मंदिर में अपना डेरा डाल रखा था। लेकिन मराठा सेना के पास पैसों की बेहद कमी थी, उनके पास खाने का सामान नहीं था और जो कुछ भी बाकी रह गया था वो अब खराब होने लगा था। ऊपर से सप्लाई बंद थी, भूखे प्यासे सैनिकों के साथ युद्ध में कूद जाना कोई समझदारी नहीं थी। सदाशिवराव ने पेशवा को एक खत लिखा, उस खत में उन्होंने जिक्र किया कि उनकी सेना हताश है, भूख से बेहाल हमारे कई सैनिकों को कई दिन तक उपवास करना पड़ता है, कहीं से कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। खत में बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन था। दूसरी तरफ जब अब्दाली को पता चला कि दिल्ली में मराठी सेना ने जीत हासिल की है, तो उसके होश उड़ गए। अब्दाली और सिराजुद्दौला की सेनाओं ने मराठाओं से जंग करने के लिए दिल्ली से कूच किया। बारिश का मौसम गुजर चुका था, इस बार बेहद ज़्यादा बारिश हुई थी। सितंबर के महीने में भी यमुना का जल स्तर उफान पर था। मजबूरी में अब्दाली को शाहदरा में यमुना के किनारे मोर्चा लगाना पड़ा। अब दोनों ही सेनाओं के बीच उफनती यमुना थी और मैदानों में सेनाएं डटी थीं। इंतजार करते करते अक्टूबर का महीना आ गया, लेकिन यमुना में पानी अब भी बेहद ज़्यादा था। इस दौरान बहुत कुछ हुआ। यमुना के उस पार जहाँ मराठा सेना थी, वहाँ कुंजपुरा में एक किला था जिसमें एक अफगान मौजूद था। उसके साथ उसकी छोटी सी सेना भी वहाँ पर मौजूद थी। उसने तय किया कि वो यमुना का पानी कम होते ही अब्दाली से जाकर मिलेगा और उसको समर्थन देगा। लेकिन किसी तरह से मराठा सेना को इसकी चाल का पता चल गया और 16 अक्टूबर को सेना ने कुंजपुरा को घेर लिया। उधर किले के अंदर से तोपों से बम बरसाए जाने लगे, लेकिन किसी तरह से किले का मुख्य दरवाजा खुल गया, जिसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में मराठा सेना ने भूखे होने के बावजूद भी जो वीरता दिखाई, उसमें अफगानों के छक्के छूट गए। 10,000 अफगान सैनिक इस जंग में मारे गए। कुंजपुरा पर मिली इस जीत ने पानीपत के युद्ध के लिए मराठों को वो सब दे दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। कुंजपुरा की इस जंग में मराठा सेना को 7 लाख रुपए, सैकड़ों मन अनाज और तमाम जरूरी चीजें मिल चुकी थीं। इस जीत के बाद मराठा सैनिकों ने कुरुक्षेत्र की तरफ अपना रुख किया, लेकिन तभी 27 अक्टूबर की एक शाम को अब्दाली की सेना ने उफनती यमुना नदी को किसी तरह से पार कर लिया। मराठों ने अब्दाली को रोकने के लिए यमुना किनारे जो व्यवस्थाएं की थीं वो नाकाम साबित हुईं। जब इस बात का पता सदाशिवराव को चला तो उन्होंने युद्ध के लिए सेना को वापस दिल्ली की तरफ लेकर जाने का फैसला किया और इसी दौरान वो रास्ते में पानीपत में डेरा डालकर रुके।
दिल्ली पर अब्दाली का कब्जा था और पानीपत में मराठों का। दोनों सेनाओं ने आपूर्ति के सभी रास्ते बंद कर दिए थे और अब जंग की महक फिजाओं में फैल गई थी। इतिहास अब लिखा जाने वाला था। दिल्ली के जिस इलाके में अब्दाली ने कब्जा किया था, उसकी वजह से मराठाओं का जिन जिन इलाकों में प्रभाव था, उनसे सदाशिव राव का संपर्क टूट गया। हथियारों की लड़ाई से पहले दिमाग की लड़ाई लड़ी जा रही थी। सप्लाईज को रोका जा रहा था, जिससे भुखमरी फैल जाए और सेनाएं हार मान लें। लेकिन किसी तरह से मराठा सेनाएं पंजाब से खाने की आपूर्ति कर रही थीं। उस वक्त जैतपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर इटावा में एक मराठा शासक शासन कर रहा था, गोविंद पंत बुंदेले। उनको सदाशिव राव ने खत लिखकर आदेश दिया कि वो नजीब जंग की रियासत के शामली और गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद रसद को जलाकर राख कर दें और ये ख्याल रखें कि किसी भी तरह से वो रसद अब्दाली तक ना पहुँचे। गोविंद पंत बुंदेले की सेना ने अब्दाली को पहुँचाए जा रहे रसद की लगभग हर लाइन को बंद कर दिया। लेकिन तभी अब्दाली की सेना ने गोविंद पंत पर हमला कर दिया और इस हमले में गोविंद पंत की मौत हो गई। अब यहाँ मामला फंस चुका था। मराठा सेनाएं हर तरफ से कट गईं। करीब 4 महीने पानीपत में एक छोटे से कैंप में गुजार चुकी सेना को अब एक भयानक बीमारी का सामना करना था। जनवरी 1961 इस कैंप में कॉलेरा फैल गया, जिसके चलते हजारों की संख्या में बीमार सैनिकों और जानवरों की मौत हो गई। हालात बेहद बुरे थे। हर ओर भयानक सड़न की बदबू आ रही थी। सैनिक टूटते जा रहे थे। हताश हो चुके सैनिक सेनानायक सदाशिव राव भाऊ के पास पहुंचे। उनके भूख से व्याकुल शरीर में अब लड़ने की क्षमता दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन सदाशिव राव की बातों का हर सैनिक पर असर होता था, इसलिए सदाशिव राव और वहां मौजूद युद्ध नायकों ने सीधी जंग का बड़ा फैसला लिया। अब भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक पानीपत की तीसरी लड़ाई को महज कुछ घंटे बाकी थे। 14 जनवरी की सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मराठा सेना तो दूसरी तरफ अफगान सेना। युद्ध का बिगुल बज चुका था, बस पानीपत के मैदान में मिट्टी का लाल रंग होना बाकी था। लेकिन करीब 9 बजे युद्ध शुरू हुआ। तलवारें, गोला बारूद, तोपें, भाले, रक्षा कवच और सब कुछ तैयार था। अंतिम रणनीति भी बन चुकी थी। मराठा सेना ने पहले हमला किया। एक टुकड़ी उनकी सुरक्षा के लिए पीछे चल रही थी और दूसरी टोली लगातार हमले कर रही थी। धीरे धीरे मराठा सेना अफगानी सेना को बेधती चली गई। अफगानों और रोहिल्ला फौज के करीब 3,000 सैनिक मराठाओं ने रौंद डाले। बेशक सदाशिव राव की सेना के पास उतने मजबूत हथियार नहीं थे, पर युद्ध में बेहद निपुण थे सभी सैनिक। लेकिन तभी मराठाओं की कैवलरी संभाल रहे विट्ठल देव शिंदे ने मराठाओं की ओर से एक बड़ी गलती कर दी, जिसने पूरा खेल पलट कर रख दिया। वो अपनी सेना लेकर इब्राहिम जर्दी से आगे निकल गए, जिसकी वजह से तोपों को संभाल रहे इब्राहिम के पास कोई मौका नहीं बचा। इब्राहिम को अपने आगे ही मराठा सेना नजर आ रही थी। वो हमला करता भी तो कैसे, और अब तक शिंदे की सेना भी वहां फंस चुकी थी। उनके पास भी पीछे वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं था। अब्दाली ने वापस भाग रहे अफगान सैनिकों के लिए आदेश दिया कि जो भी वापस लौटे उसे या तो मार दो या वापस मराठाओं से लड़ने के लिए मैदान में भेज दो। मराठा फंस गए थे सिर्फ एक गलती की वजह से। जो मराठा सेना दोपहर तक जीत के लगभग बेहद करीब पहुंच चुकी थी, अब उसके पास कोई भी रिजर्व मौजूद नहीं था। 2 दिन तक लगातार वहां पर अब्दाली की सेना ने मारकाट मचाया और इतिहास का सबसे काला दिन 14 जनवरी साबित हुआ। लाखों लोग मारे गए। पानीपत की इस लड़ाई का अंजाम बेहद बुरा था। हिंदुस्तान की जमीन को सुरक्षा देने वाला कोई भी राजा मराठाओं के साथ नहीं आया, वरना अंजाम कुछ और ही होता। मराठा अकेले खूब लड़े और पानीपत का तीसरा युद्ध और 14 जनवरी 1961 की ये तारीख इतिहास बन गई। कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं ललित कुमार। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप द चौपाल को देखते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।